नमस्कार, आशा करता हूँ कि आपकी विजयादशमी अच्छी रही होगी। ये राष्ट्रपति महोदय का भाषण जो 14 अगस्त 2019 को दिया गया है, इसका पार्ट टू है। ये मैटर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू करते हैं, समय शुरू हो रहा है थोड़ी देर में। स्टार्ट। देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार अनेक बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है। गरीब से गरीब लोगों के लिए घर बनाकर और हर घर में बिजली, शौचालय तथा पानी की सुविधा देकर सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत बना रही है। हर देशवासी के घर में नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाने, किसान भाई बहनों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने और देश में कहीं बाढ़ तो कहीं भूखे की समस्या का प्रभावी समाधान करने के लिए जल शक्ति के सदुपयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्र तथा राज्य सरकारों के साथ साथ हम सभी देशवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। देश के सभी हिस्सों में संचार सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। इसके लिए गांव गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है और बेहतर राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। रेल यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। मेट्रो रेल की सेवा के जरिए अनेक शहरों में लोगों का आवागमन आसान किया जा रहा है। छोटे शहरों को भी हवाई यात्रा की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। नए बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, साथ ही अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और बंदरगाहों को आधुनिक बनाया जा रहा है। सामान्य व्यक्ति के हित में बैंकिंग सुविधाएं को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाया गया है। उद्यमियों के लिए कर व्यवस्था और पूंजी की उपलब्धता आसान बनाई गई है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार लोगों तक नागरिक सुविधाएं तथा उपयोगी जानकारी पहुंचा रही है। सरकार बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। दिव्यांग जनों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं दी जा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कानून और न्याय व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए हैं। देशवासियों का जीवन आसान बनाने के लिए अनुपयोगी कानूनों को भी निरस्त किया गया है। सरकार के इन प्रयासों का पूरा लाभ उठाने के लिए हम सभी नागरिकों को जागरूक और सक्रिय रहना होगा। समाज के हित में और हम सभी की अपनी बेहतरी के लिए यह जरूरी है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बुनियादी सुविधाओं का हम सदुपयोग करें। उदाहरण के तौर पर देखें तो ग्रामीण सड़कों और बेहतर कनेक्टिविटी का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब हमारे किसान भाई बहन उनका उपयोग करके मंडियों तक पहुँचे और अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सके।
वित्त और राजस्व के क्षेत्र में किए गए सुधारों और व्यापार के नियमों को सरल बनाने का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब हमारे छोटे स्टार्टअप या काम धंधे और बड़े उद्योग नए तरीके से आगे बढ़े और रोज़गार पैदा करें। हर घर में शौचालय और पानी उपलब्ध कराने का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब इन सुविधाओं से हमारी बहन बेटियों का सशक्तिकरण हो और उनकी गरिमा बढ़े। वे घर की दुनिया से बाहर निकलकर अपनी आकांक्षाओं को पूरा करें। उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की आज़ादी हो। वे घर संभालने में अथवा कामकाजी महिलाओं के रूप में अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करें। समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर का सदुपयोग करना और उसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर हर भारतवासी का है, हम सब का है, क्योंकि यह राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा भी स्वाधीनता की रक्षा से जुड़ी हुई है। हमारे जो कर्तव्यनिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करते हैं, वे देश प्रेम की उसी भावना और संकल्प का परिचय देते हैं जिसका प्रदर्शन हमारे सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस के बहादुर जवान और सिपाही देश की कानून व्यवस्था बनाए रखने व सीमाओं की रक्षा में करते हैं। मान लीजिए कि कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति किसी ट्रेन या अन्य सार्वजनिक संपत्ति पर पत्थर फेंकता है या उसे नुकसान पहुंचाने वाला है, और यदि आप उसे ऐसा करने से रोकते हैं तो आप देश की मूल्यवान संपत्ति की रक्षा करते हैं। ऐसा करके आप कानून का पालन तो करते ही हैं, साथ ही अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य भी निभाते हैं। आज ये पार्ट टू ख़त्म हो रहा है, इसके बाद एक और होगा 14 अगस्त का डिक्लेरेशन में। धन्यवाद है।